कानपुर पुलिस हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है। चौबीपुर थाना से फोन करके कटवाई गई थी बिजली की तार। बिजली कर्मचारी ने पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है। बिजली कटवाने के लिए थाने से आया था फोन, अखिलेश नाम के पुलिस वाले ने किया था फोन। जांच में भी चौबीपुर थाने का ही निकला नंबर। जेई और लाइनमैन को हिरासत में लिया गया था। पुलिस पूछताछ में लाइनमैन ने इस बात का खुलासा किया है। पुलिस के विकास दुबे के घर पहुंचने पर काटी गई थी बिजली, जिस बात का खुलासा किया गया। थाने से साफ भेजे शिवली थाने से। उसका नाम क्या है लड़के का जो लाइनमैन को पुलिस ले गई है? जो लाइनमैन जिसने बिजली काटी थी परसों, साफ पूछ रहे उसका नाम क्या है? मोनू नाम है। कहाँ रहता है? तो ये क्या नाम है ये बताओ? ये जो मोनू था वो ये थाने से आया। आओ चलो थाने चलो, वहीं से आए। नहीं बैठेंगे, नहीं साहब ने पूछा कि ठीक वही पूछ के हमें जाना है जल्दी, कोरोना चला बैठेंगे। ये बताओ ये मोनू जो था ये लाइनमैन था क्या था? यार लाइनमैन है। बिजली से नहीं काटी थी आपने? बिजली वहाँ पे एक नंबर आया था। अच्छा, चौबेपुर से। हाँ। कि थाने से बोल रहे हो बत्ती बिगड़ो काट दो। अच्छा, ये बात है। नंबर का लिखा है, देखो कहाँ नंबर लिखे हैं। वो दिया है उनका, वो नहीं, वो तो दिया है साहब को, तो बताया नहीं उसने पुलिसकर्मी कौन था, क्या नाम था? तो बिजली कटवाने के लिए थाने से ही आया था फोन, जिसका खुलासा हो गया। और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नीरज, कानपुर कांड को लेकर आपकी नजर हर खबर पे बनी हुई है, लगातार आप इस खबर पे बने हुए हैं। नए नए खुलासे किए जा रहे हैं और ये भी खुलासा हो चुका है कि थाने से ही फोन आया था, जिस वजह से बिजली काटी गई। अभी की क्या कुछ अपडेट है आपके पास और क्या नई अपडेट इस खबर को लेकर है जो हम R9 टीवी के द्वारा दर्शकों को पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मुझे सबसे पहले बता दूं आपको कि ये जो विकास दुबे है, भगोड़ा विकास दुबे, इसके ऊपर 50,000 का इनाम अभी तक घोषित था, उसको 1,00,000 किया गया है। इसके अलावा FIR में नामजद अन्य 18 लोग जो हैं नामजद हैं, उनके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम जो है वो बढ़ाया गया है। और इसके अलावा बातचीत की जाए तो जो शिवराजपुर के थाना अध्यक्ष जो शहीद हो गए थे, वहां नए थाना अध्यक्ष शेषनारायण पांडे को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हमारे पास तमाम ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों के मुताबिक आई है कि उस रात जब विकास दुबे यहां से भागा हुआ था तो वो कानपुर देहात के एक गांव में रुका था। इनोवा से 5 लोग पहुंचे थे, ऐसा हमारे सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है। इसके अलावा वो लोग रात में एक पाल परिवार के यहाँ रुके थे और असलाह के बल पे उन लोगों के जो फोन थे वो स्विच ऑफ करा दिए थे। कुछ देर रुकने के बाद वो लोग वहां से निकले थे। तो ये कुछ चीजें सामने आ रही है पुलिस सूत्रों के मुताबिक। पुलिस इन पहलुओं पर जांच कर रही है। इसके अलावा जो थाने द्वारा बिजली काटने की बात आ रही है, उसमें भी पुलिस जांच कर रही है। STF जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो अधिकारी है इसमें से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पुलिस ने इस वजह से बिजली कटवाई थी कि अंधेरे में उनको गाँव में विकास दुबे और उसके गुर्गे देख ना पाए, या फिर किसी षड्यंत्र के तहत बिजली कटवाई गई थी। इन चीजों की जांच पड़ताल चल रही है पूजा। जी बिल्कुल नीरज, हर दिन जो खुलासे हो रहे हैं उससे नई नई चीजों का पता चल रहा है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।